कर्नाटक सीमा मामले में कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी लोक प्रतिनिधि को सीमा पर जाने से रोकना गलत है। कर्नाटक बॉर्डर इशू पे जो मामले रोज सामने आ रहे हैं, इसके बारे में दोनों राज्यों को सबूरी से लेने के बारे में केंद्र में बैठक हुई, केंद्र सरकार के सामने चर्चा हुई और मैटर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है उसके बारे में वहाँ दोनों सरकारों को इस बात को बड़े सामंजस्य के साथ में पेश आने के लिए कहा गया है। और दूसरी तरफ ट्विटर हैंडल के जरिए कर्नाटक सरकार जो अपनी भूमिका रख रही है वो आज कहा जाता है कि वो ट्विटर हैंडल फेक है। आपने देखा वो कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री श्री बोम्मई इन्होंने जो भी बयान अभी तक किए हैं वो महाराष्ट्र के खिलाफ किए हैं। महाराष्ट्र के जो गाँव है वो हमारे यहाँ आने चाहिए, ऐसे अलग अलग विधाने कर इन्होंने लोगों का दिशा भूल करके कहा। आज कहते हैं कि ट्विटर हैंडल अधिकृत नहीं है, तो अधिकृत नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट आज भी उपलब्ध है। आप देखेंगे कि स्क्रीनशॉट में वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं वो उसके ऊपर है। इतना ही नहीं है, अगर कर्नाटक सरकार ने वहाँ के जो सरपंच है ग्राम पंचायत के उनका जो मानदंड है वो बढ़ाने के बारे में फैसला इसी पे बताया हुआ है। तो सवाल ये है जब ट्विटर हैंडल फेक है, 2015 से ये ट्विटर हैंडल ऑपरेटिव है, आज तक है, तो फेक कैसे हो सकता है? अगर फेक है तो डिलीट क्यों नहीं किया गया ये सब चीज़ें और कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सच ये सामने आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को गुमराह करने की बात है और ये गलत बात है।